हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपिनियन यूट्यूब चैनल। हॉलीवुड इंडस्ट्री एमती कम ही मूवी अच्छी जहाँ आम हृदय को छुबा सहित ओरिजिनल होता है। से कैटेगोरी में रिसेंटली रिलीज होता गोटे मूवी तार जगह बनई से मूवी नाम है राति सरी सरी जाउची। तो आज आम वीडियो में राति सरी सरी जाउची गोटे डिटेल रिव्यू करवा कि इंट्रो पर। मूवी रिव्यू तो आरंभ करवा कितु मुझे आगू मोर किसी एक्सपीरियंस शेयर करा चाहती। तो एट फास्ट ए मूवी ना मुझे मूवी टेलीविजन प्रीमियम तीन दिन पर शुणा पाई ए मूवी ना सुनला मूवी प्रति मोर कौन इंटरेस्ट ही जाइन कहीं मूवी ना मतलब बहुत ओल्ड फिल है कि मूवी में राज राजेश लीड क्यारेक्टर थी शुणि ए मूवी देखापी मोर इंटरेस्ट है कारण तक रिसेंटली मूवी ये भी गोटे लव स्टोरी आक्टिंग मतलब बहुत भल लगी मुझ इंटरनेट्रे मूवी पोस्टर एवं ट्रेलर को देखिली जहाँकि मूवी को देखिए मोर इंटरेस्ट आहरी बढ़ेला और मूवी ट्रेलर को मुझे हॉलीवुड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर बोली कहि। यही मूवी ट्रेलर में डायलॉग म्यूजिक एवं क्लिप्र बहुत भल कम्बिनेशन मुझे देखा पाइली और मूवी को जियो टीवी देखिली और यही मूवी देखा मोर कौन रिएक्शन है जानते ताहा भी डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कसन करवा मूवी स्टोरी जदि यही मूवी स्टोरी डिस्कसन करवा यही मूवी प्रति थी मोर फर्स्ट कंप्लेन जहाँकि यार ना प्रति रही ताही भूल प्रमाणित हो जाए कहीं मूवी स्टोरी यही मूवी ना को पूरा जस्टिफाई करे। जदि ओवरऑल कहबा यही मूवी तार ना अनुसार गोटे राति उपर ही बेस्ड हो बेसिकाली यही मूवी गोटे लव स्टोरी मूवी अटे जो थे कि भुवनेश्वर से चाकरी करथुवा सागर निज बामघर को आसी गोटे अपर कास्ट गर्ल स्मिता को भल पाए ऑब्वियसली जोटा कि कहीं ग्रहण करते ना जहाँफल कि बाध्य घर छाड़बार निष्पत्ति नि किंतु सागर जो जगह को स्मिता को डाकि थाए से निजे ही जगह को आसे ना एवं स्मिता निज घर को फेर जाए अगर जनक विवाह करनी स्मिता सागर को विवाह करनी यह आमको मूवी फास्ट सीन ही जना पड़ जाए और यही मूवी फ्लाशबैक पुणी प्रेजेंट पुणी फ्लाशबैक पुणी प्रेजेंट चल रही थाए जहाँ कि डायरेक्टर बहुत भलसे आम आगे प्रेजेंट करदी डायरेक्शन का कथा उठी सारे तेल चलते डिस्कसन करवा मूवी डायरेक्टर एवं अन्यान्य क्रू विषय यही मूवी को डायरेक्ट कर अनुपम पटनायक यही मूवी राइटिंग भार संभाली मानस पढ़ियारी एवं यही मूवी में से दुजन कम्बिनेसन बहुत भल हो कहि कारण गोटे राइटर और डायरेक्टर कम्बिनेसन जो भल हुए से गोटे मूवी आम आगे बहुत भल प्रेजेंट होता है। मूवी डायरेक्शन और राइटर पार्ट को छाड़देले मूवी म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करण यही मूवी बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स गुड़िक मूवी को बहुत इंप्रूव करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जितनी प्रशंसा कले कम रंग्स गुड़िक आपड़ बारंबार शुणा भल पाइबे यही मूवी स्टोरी को 90s रे बेस कर मूवी आपण गोटे एकांकिका एवं गल्पर अनुभव दब मूवी यूज होता प्राकृतिक दृश्य हो कि क्यारेक्टर का बैकग्राउंड हो सब आमको देखा बहुत भल लगे यार क्रेडिट केवल सिनेमाटोग्राफर उपर जाए जे कि मूवी सिनेरियो को बहुत भल से कैमेरा रे कैप्चर करदी मूवी स्क्रीन प्ले उपर डिस्कसन करवा मूवी स्क्रीन प्ले बहुत भल से लिखा जाए मूवी टोटाल लेंथ पाखापाखि 2 घंटा रही 2 घंटा मूवी आपन टोटाली बोर करना ना और जदि आप कौटी बोर हो लगती है आक्टर मान परफॉर्मेंस आपण मानक बोर हाँ को दब ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहवाक चाहिए ये मूवी आम 4 क्यारेक्टर को अधिक स्क्रीन प्रेजेन्स मिलवर देखा जो मैंने राज राजेश रिया दे रायमोहन एवं सुकांत यही 4 जन यही मूवी में निजर बेस्ट परफॉर्मेंस जमीती कहली राजेश परफॉर्मेंस मुझे पूर्व मूवी में पसंद करती मूवी में परफॉर्मेंस बहुत भल हो और मूवी में जिते फ्लाशबैक सीन चले लुक को विजय देवकोंडा मन पकड़ा और एवं जब रिया परफॉर्मेंस डिस्कशन करवा मतलब परफॉर्मेंस कहीं मतलब भल लगे ना कि मूवी में परफॉर्मेंस मत बहुत भल लगे आर क्रेडिट रिया को मिलवा सहित यह मूवी डायरेक्टर को दरकार भल परफॉर्मेंस को बाहर करती मूवी में रिया निजर बेस्ट परफॉर्मेंस देखते मुझे कहि। एवं डिस्कसन करवा रायमोहन रायमोहन भाई गोटे लेजेंडरी आक्टर विषय में कौन अधिक कहि कि से अपरारू मूवी को कमबैक कलाफर्मास से अपरार टच रही जाता जमीक मिस्टर मधुर मूवी में कितु यही मूवी में आम परफॉर्मेंस को पूरा A1 देखा जोटा कि यही मूवी गोटे भल कथा। एवं लास्टली सुकांत परफॉर्मेंस विषय डिस्कसन करवा बेसिकाली यही मूवी में क्यारेक्टर पूर्व मूवी क्यारेक्टर बेस किसी अलग नुहे तेणु यही मूवी में से निज भल परफॉर्मेंस देखते मूवी सपोर्टिंग कास्ट विषय जब किसी डिस्कसन करवा मूवी में सब सपोर्टिंग कास्टर परफॉर्मेंस बहुत भल हो स्पेशल मेंशन यही मूवी में रिया दे फ्रेंड रोल प्ले कर एक्ट्रेस मतलब बहुत इंप्रेस कर ताँग मुहर छोट छोट गेस्टर यही मूवी में क्यारेक्टर में बहुत किसी आड कै जहाँकि मतलब बहुत भल लगे जदि मूवी एत सब प्लस पॉइंट शुणापर आप मूवी कौन से नेगेटिव पॉइंट ना तो आप भूल भावुँच
ଯେମିତିକି ଏଇ ମୁଭିର ଟାଇମ୍କୁ 90s ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୁଭିରେ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟରଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ୍ ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏହି ମୁଭିରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼କୁ ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଜିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଭିରେ ହିରୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ସେ ଲିମିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାଇଟର ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏହି ମୁଭିରେ ଲଭ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟ ଇମୋସନ୍କୁ ଟିକେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଆମକୁ ଇମୋସନାଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଚାନ୍ସକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିବା କଥା ତାହା ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର କିଛି ସିନ୍ ଆମକୁ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଏହି ମୁଭିର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଭିର ଏତିକି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେବା, ଏହି ମୁଭି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ହୋଇ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏହି ମୁଭିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ କମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ଏହି ମୁଭି ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ। ଓ ଏହି ମୁଭି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲା ଯେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍କୁ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ସେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଓପିନିଅନ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କେବଳ ମୋ ଓପିନିଅନ୍, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଓପିନିଅନ୍ ସହିତ ଏକମତ ନା ଭିନ୍ନମତ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଜଣ କଥା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।